अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube की वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा आप YouTube चला रहे होते हैं, आपको कोई भी वीडियो पसंद आ जाती है तो आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, वो हो मोबाइल की गैलरी में सेव नहीं होती। मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ। YouTube को ओपन करने के बाद मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको चौथे नंबर पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड का, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपने बैक आ जाना, मैं इसको डाउनलोड नहीं करता। आपको आखिरी नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लाइब्रेरी का, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको ऊपर से दूसरे नंबर पर एक फोल्डर नज़र आ रहा है डाउनलोड का, तो ये वीडियो इस फोल्डर में सेव हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो मोबाइल की गैलरी में सेव नहीं होगी। तो वो मोबाइल की गैलरी में कैसे सेव होगी, मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी। मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन का नाम है गो वीमो, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी करके दिखाता हूँ। अपने सेटिंग में क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको आखिरी ऑप्शन नज़र आ रहा है कंटेंट का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और पहले नंबर पर डिफ़ॉल्ट कंटेंट कंट्री, आप इसमें अपने इस पर क्लिक कर देना है और इस पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे आपको उसी कंट्री के वीडियो मिलेंगे। उसके बाद अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप ब्लैक पे क्लिक कर दें तो ये इसका थीम ब्लैक लग गया। और इसके बाद ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आप इससे भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसके बाद बैक आता हूँ और मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन नज़र आ रहा है शेयर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे चले जाना है, आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है गो वीमो का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोडिंग का, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आप इस पे साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप जो भी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं जिस साइज की भी आप कर सकते हैं, मैं इसे यही रहना चाहता हूँ। इसके बाद अगर आप ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑडियो पर क्लिक कर दीजिए, ऑडियो सेव हो जाएगी ऑडियो में। और अगर वीडियो में करना चाहते हैं तो वीडियो में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने ओके कर देना है, आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ओके का, आपने ओके कर देना है। इसके बाद ये वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा ऊपर ऊपर, ये वीडियो अब डाउनलोड होना शुरू हो गई है। मैं आपको वही एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपने थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब ये वीडियो आपने जो डाउनलोड की है वो आपको नज़र आ रही है, पहले नंबर पर वो डाउनलोड हो गई है। बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।